नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी, आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने हिमाचल की जो प्राकृतिक झीलें थी उसको किया था। आज का जो ये वीडियो है ये बनावटी झीलें जो है उसको करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की जो बनावटी झीलें हैं उसके बारे में जानते हैं। यहां पर हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही करेंगे और इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगी, चाहे वो प्राकृतिक झीलें हैं चाहे बनावटी झीलें हैं, उसका एक अलग सा वीडियो मैं आपको पेश करूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको टकटकी लगाकर वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। तो आइए चलते हैं, आज का जो ये वीडियो है कुछ इस तरह है। हमने पिछले वीडियो में बातचीत की थी कि जो प्राकृतिक झीलें हैं वो क्या होती है। आज जो बातचीत की जाएगी तो बनावटी झीले क्या है। अगर अभी तक आपने मेरा वो प्राकृतिक झीलों वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको जितनी भी हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें हैं सारी की सारी कवरअप की हुई, उसमें कोई भी झील नहीं छोड़ी हुई है। तो आज का जो ये वीडियो है सिर्फ बनावटी झीलों के ऊपर है, और इसमें मैं प्राकृतिक झीलों का वर्णन नहीं दूंगा। दूसरी बात क्या है कि यहां पर झीले जो है हिमाचल में कुल 5 झीले हैं जो बनावटी है। तो नंबर 1 पे देखेंगे गोविंद सागर झील, पोंग झील, पंडो झील, चमेरा झील, ब्यास सतलुज लिंक जो परियोजना से बनी हुई झील है उसको क्या नाम दिया गया है, ब्यास सतलुज लिंक झील। तो इन 5 झीलों के बारे में आज बातचीत की जाएगी। कौन कौन सी झीलें हैं दोबारा से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, गोविंद सागर झील, पोंग झील, पडो झील, चमेरा झील, और लास्ट वन जो है आपकी जो ब्यास सतलुज लिंक झील है वो देखने को मिलती है। तो हम अब 1 by 1 इसको देखेंगे कि इसके बारे में हमें क्या याद रखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं पहली झील की तरफ। पहली झील जो है गोविंद सागर झील है। तो पहला यहां लिखा हुआ विशेष तिथि। विशेष तिथि में आपको क्या क्या याद रखना है, नंबर 1 ये झील कहां पर स्थित है। तो अगर मैं इस झील की बातचीत करूं आपसे तो जो ये झील है ये बिलासपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है तो ये बिलासपुर में देखने को मिलेगी। कौन सी झील, तो आपकी जो गोविंद सागर झील है वो कहां पर देखने को मिलेगी, बिलासपुर में देखने को मिलेगी। इसकी विशेष तिथि ये है। और दूसरी बात क्या है कि जो ये गोविंद सागर झील है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि ये जो बिलासपुर की तहसील है नैना देवी, आपने सुना होगा नैना देवी मंदिर भी है, तो नैना देवी मंदिर जो है उसके नियर बाय पड़ती है। ये जो गोविंद सागर झील है वो इसके नियर बाय पड़ती है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहां पर एक पहाड़ी देखने को मिलती है, और उस पहाड़ी पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा भी है। आपको याद रखना है कि आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश की बातचीत हो रही है। दूसरी बात क्या है कि इस गुरुद्वारा को किसने बनाया है, तो आप जरा थोड़ा सा जांच विचार कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि ये किस व्यक्ति ने बनाया है। पहली बात आपको ये पता चल गई। दूसरी बात विशेष स्थिति में क्या है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील होने का इसे गौरव प्राप्त है। 168 किलोमीटर का जो एरिया है ये कवरअप करती है। किस नदी के ऊपर बनी हुई है तो ये भी आपको याद रखना है, या किस बांध के बनने से ये बनी हुई है, तो जो भाखड़ा बांध है उस बांध का जब निर्माण हुआ तो उस वक्त उस दौरान इस झील का निर्माण हुआ। आपको यहां से एक चीज और याद रखनी है, जो भाखड़ा बांध है उसका जो निर्माण कार्य हुआ है वो कब से कब हुआ, तो जो 1948 था उस वक्त इसका कार्य आरंभ हुआ, और इसका जो अंत हुआ 1963 में इसका अंत हुआ। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो ये बिलासपुर का भाखड़ा बांध है ये गुरुत्व के हिसाब से सबसे ऊंचा माना जाता है। इसी के ऊपर एक पुल बना हुआ कंदरौर पुल, वो भी ग्रेविटी के हिसाब से सबसे ऊंचा पुल है। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। धार्मिक रवैया में क्या याद रखना है कि जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में की, और कुछ समय बिलासपुर के कीरतपुर में रहे, बाद में भीम जो
चंद थे उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे और बाद में उस सिरमौर में चले जाते हैं मेदिनी प्रकाश के यहां। तो वो व्यक्ति जो है यहां पर रहे हैं और उनका संबंध इससे जोड़ा जाता है जो गोविंद सिंह गोविंद सागर झील है, ये आपको अच्छे से याद रखना। तो धार्मिक रवैया ये है। साथ में हिंदू और सिखों का ये पवित्र स्थल है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोनों धर्मों के लोग इस झील को पूजते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट वन जो है ये आपको मैंने बता दिया, भाखड़ा बांध जो की वजह से ये झील बनी हुई है। और दूसरी बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एशिया का सबसे बड़ा फिश जो ब्रीडिंग सेंटर है वो आपको घाघस में देखने को मिलता है और ये भाखड़ा बांध जो बना हुआ है इसकी वजह से गोविंद सागर झील भी बनी ही हुई है। और साथ में ये जो घाघस जो मछली प्रजनन केंद्र है वो भी आपको बिलासपुर में देखने को मिलता है और इसका नाम है दियोली फिश ब्रीडिंग फार्म, तो ये भी इसी के आस पड़ोस में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये जो मतलब मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए उसके बारे में पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं, जो आगे वाली झील है वो क्या है, पोंग झील। पोंग झील आपको पता होगा कहां पर स्थित है, तो पोंग झील का जब भी बातचीत आएगी तो वो बातचीत कौन सी होगी, सबसे पहले पोंग झील कांगड़ा में है तो आपको याद रखना है कहां पर है, कांगड़ा में। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि ये हालदून घाटी में पड़ती है और ये हालदून घाटी जो देहरा सब डिवीजन है उसमें पड़ती है। तो ये जो पोंग झील है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो हुआ था जब पोंग डैम बना, और पोंग डैम जब बना तो उस दौरान इस झील का निर्माण हुआ। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो पोंग डैम है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो जो ब्यास नदी है उसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, हल्दून घाटी कहां पर है, हल्दून घाटी जो थी ये जो अनाज की प्रोडक्शन काफी ज्यादा करती थी, जब इस बांध का निर्माण हो रहा था तो लगभग 223 गांव यहां से विस्थापित हुए और उन्हें जो राजस्थान गवर्नमेंट थी वहां पर उन्होंने उन्हें भूमि दी। और इस जो पोंग बांध था इसका निर्माण जब हो रहा था उसी दौरान पोंग झील का निर्माण हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पोंग झील है पोंग बांध से इसका संबंध जोड़ा जाता है। जी हाँ, पोंग झील का इतिहास क्या रहा हुआ है, तो ये इतिहास में आपको क्या चीज याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लगभग इसका निर्माण कार्य 1961 से हुआ और 1974 और 75 में ये बनकर तैयार हो गया था, मीन 75 में राष्ट्र को समर्पित हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो 1993 की बात है, इस स्थल को ये जो 1993 की बातचीत है यहां पर एक वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया। और साथ में इस बांध के निर्माण से ही क्या बना, पोंग झील बनी और इसके नाम पर ही एक बांध भी है, पोंग बांध। और ये जब बांध बना तो इस बांध को किस नदी के ऊपर बनाया गया, तो ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया। ब्यास नदी रोहतांग से निकलती है, आपको याद रखना है, अगर रोहतांग ना हुआ तो ब्यास कुंड, और ब्यास कुंड नहीं हुआ तो मध्य हिमालय। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मध्य हिमालय का पार्ट है वहां से ये मतलब क्या करती है, ब्यास नदी निकलती है। रोहतांग को का पुराना नाम भृगुतुंग है, आपको ये भी याद रखना है। और जब आप पुराने समय में जाओगे तो उस वक्त क्या होता था, इस रास्ते से व्यापार हुआ करता था और कुल्लू और साथ में जो लाहौल स्पीति का रीजन है उसको रोहतांग जोड़ने का काम करता है। आगे नेक्स्ट जो ये वाला मतलब पोंग झील है, इसे रामसर साइट की कैटेगरी में भी रखा गया है, आर्द्र भूमि का दर्जा इसे हमारी जो भारत सरकार थी उसने 1994 में दिया। रामसर साइट जो इसे बनाया गया तो 2002 की बात है, इसे रामसर साइट बनाया गया। साथ में पोंग झील को ही कई बार महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, बांध भी है और साथ झील, कई बार झील का भी जिक्र इसी नाम से किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आगे नेक्स्ट वन जो झील है वो झील है पंडो झील। पंडो झील की जो स्थिति है ये मंडी में है, मीन्स मंडी में ये स्थित होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मंडी में स्थित होने के साथ साथ ही आपको क्या याद रखना है कि जो पंडो झील है हिमाचल प्रदेश की बनावटी झील है और सबसे छोटी झील है, बनावटी है और सबसे छोटी झील है बनावटी की कैटेगरी में। और सबसे बड़ी कौन सी है, आपको ये बता दिया, लगभग 14 किलोमीटर एरिया पर ये फैली हुई है और दूसरी साइड आपको 168 किलोमीटर की बात की। तो बोलने का मतलब है मंडी में है और जो ये पंडो
झील है वो पंडो बांध का जो निर्माण हुआ उसके ऊपर स्थित है। मीन जब पंडो बांध का निर्माण हो रहा था तो उस दौरान इस झील का भी निर्माण हुआ। जैसे हमने पौम झील की बात की वैसे ही यहां पर भी झील है। और किस नदी के ऊपर है? ये ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। आगे नेक्स्ट उन्हें चमेरा, चमेरा काफी इंपॉर्टेंट है। चमेरा जो है आपको याद रखना है, एक जगह भी है चमेरा। दूसरी बात, चमेरा जो है रावी नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है उसकी वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। और ये झील जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पुराने हिमाचल का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी कुछ समय तक राजधानी ब्रह्मपुर रही, जिसे ब्रह्मौर कहा जाता है, 84 जो साधुओं की भूमि कहा जाता है, 84 मंदिरों की भूमि कहा जाता है। और दूसरी बात क्या है कि इस प्यारे से चंबा में ये आपको चमेरा झील देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्यास सतलुज लिंक जो झील है ये कहां पर है? तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इसकी जो विशेष स्थिति है पुंग, पुंग एक जगह है और ये मंडी में स्थित है। और मंडी के पुंग में ये क्या बनी हुई है, जो आपकी ब्यास सतलुज लिंक झील है ये देखने को मिलती है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर बग्गी है और बग्गी से सुंदरनगर कुछ इस डायरेक्शन में पड़ता है और इसके बीच में क्या है आपको पुंग देखने को मिलता है। इस जगह पर क्या हुआ है, ब्यास सतलुज लिंक झील बनी हुई है। और ये ब्यास सतलुज लिंक जो झील बनी हुई है एक ब्यास सतलुज लिंक परियोजना है। उस परियोजना को जब अंजाम दिया गया, जब वो बनकर तैयार हो गई, तो उसी दौरान इस झील का भी निर्माण हुआ है। इसी कारण तो आर्टिफिशियल झील की कैटेगरी में आ रही है। तो आपको यहां से स्पेसिफाई होना है कि आपको इन झीलों के बारे में क्या स्पेसिफाई होना है कि जो ये झील बनी हुई है कहीं ना कहीं बीच में आर्टिफिशियल वे अपनाया गया है कि बांध बन रहे थे और बांध बनने के कारण ही क्या हुआ, इन झीलों का निर्माण हुआ। दूसरी बात जो है आपको क्या याद रखनी है कि ये जो आर्टिफिशियल झीलें हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल झीलें जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में प्राकृतिक झीलें जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो क्या कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ ही शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो आपके भाई बंधु हैं उनको फायदा मिले। और नेक्स्ट वन जो है, अगर ये दोनों आपको पसंद, मतलब ये जो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर तो बनता ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो रोज का भी मैं अपडेट करता हूं उसकी अपडेशन है वो मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।